बचपन की बातें मुझे बहुत अच्छे से याद हैं कि कैसे पापा अपनी साइकिल के डंडे पर मुझे बिठाते थे और पीछे के करियर पर मेरी बड़ी बहन को, और फिर हम घर से स्कूल की तरफ चल दिया करते थे। जब सड़क सीधी होती थी तो पापा को सिर्फ थोड़ी सी ताकत के साथ पैडल मारने पड़ते थे, लेकिन जैसे ही सड़क पर घाट आ जाती थी पापा को पूरी ताकत के साथ पैडल मारने होते थे ताकि हम घाट चढ़ सके। इस वक्त साइकिल की रफ्तार भी काफी कम हो जाती थी, लेकिन जैसे ही ढलान आती थी हम सभी साइकिल में बैठे लोग उस वक्त को एंजॉय करते थे, क्योंकि साइकिल अपने आप बड़ी तेज रफ्तार से चलने लगती थी और हम अपने स्कूल पहुंच जाया करते थे। प्रिय दोस्तों, जिंदगी भी साइकिल की इस जर्नी की तरह ही है। कभी ये अपने आप बड़ी स्मूथली चलती है, कभी अचानक अड़चने आ जाती हैं और हमें बड़ी मेहनत करके उन्हें पार करना होता है, और कभी जिंदगी अपने आप बहती है। याद रखिएगा, जिंदगी की साइकिल पर बैठकर हर मंजर को जीना ही जिंदा दिली है। लेकिन सबसे जरूरी बात, हम इस साइकिल की जर्नी को तब फील कर पाते थे जब ये साइकिल हमारे डैड चलाते थे। हमें उन पर पूरा यकीन था कि वो हमें नीचे गिरने नहीं देंगे, ना ही चोट लगने देंगे। क्या आपकी जिंदगी की साइकिल आपके परमपिता परमेश्वर चला रहे हैं? पवित्र शास्त्र कहता है, धन्य है वे जिनका भरोसा मुझ पे है, क्योंकि वे हतोत्साहित नहीं होंगे। क्या आप अपने सफर के लिए तैयार हैं?